खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने यूपी आरक्षी भर्ती परीक्षा से पहले एक बड़े सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए बदमाश यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की तैयारी में जुटे थे। गाजीपुर में पुलिस ने पेपर आउट कराकर नकल कराने वाले सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ननहरा थाना क्षेत्र के मिर्दादपुर से सॉल्वर गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 6 लाख रुपए नकद और 21 लाख के चेक बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सॉल्वर गैंग के पास से बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज, 17 अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक अंक पत्र व प्रमाण पत्र, 29 अभ्यर्थियों के यूपी आरक्षी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड, 8 आधार कार्ड, 5 नकल चीट के नमूने, 14 मोबाइल, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 1 कार और 3 बाइक बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि इस सॉल्वर गैंग में वाराणसी के किशन मिश्रा और सुनील मिश्रा भी शामिल हैं। जो पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, इसी में कुछ क्योंकि हमारी सभी थानों की पुलिस, हमारी स्वैट सर्विलेंस टीम इसमें सक्रिय थी, इसी में एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग सेलेक्शन कराने की आड़ में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इस सूचना को जब डेवलप किया गया स्वैट और सर्विलेंस टीम द्वारा, तो इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। ये लोग थाना नौनहरा क्षेत्र का एक दूरस्थ और बिल्कुल आबादी से कटा हुआ एक घर इन्होंने किराए पे लिया था मिर्दाजपुर गांव में, और वहां रह के अपना इन्होंने प्रिंटिंग मशीन वगैरह वहां पर और कॉपी फोटो कॉपियर वगैरह लगाए थे, जिसके माध्यम से ये पेपर अगर इन्हें प्राप्त होता तो उसका सॉल्यूशन निकाल के तत्काल इनके द्वारा ऐसे लोग जिनसे धन उगाही की जा रही थी, क्योंकि इनके पास से 6 लाख रुपए नगद भी मिले हैं। इनके द्वारा हर कैंडिडेट को ये दिलासा दी जा रही थी कि उसका सिलेक्शन कराएंगे, और 7-8 लाख रुपए में तय कर रहे थे, 1-1 लाख रुपए पेशगी। कुछ लोगों के द्वारा इन्होंने चेक भी प्राप्त कर लिए थे और 21 लाख के चेक भी इनके पास से प्राप्त हुए हैं। और बहुत से, क्योंकि जिस कैंडिडेट का ये कराते थे उनके प्रपत्र भी, ओरिजिनल जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसे भी ये रख लेते थे, तो ये सारी चीजें इनके पास से प्राप्त हुई है। ये बड़ी संख्या में इनके जो एजेंट हैं वो पूरे पूर्वांचल में सक्रिय थे और लोगों से संपर्क कर रहे थे। लोग भी लालच में आने के कारण इनके उस ट्रैप में आ रहे थे। ना तो इनके पास कोई पेपर था, अभी कुछ नहीं था, केवल ये था कि जिस दिन पेपर होगा उस दिन इनके द्वारा ये करा दिया जाएगा। और इनके द्वारा ये भी लोगों को मैं विश्वास दिलाया गया है, क्योंकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि पूर्व की जो एग्जाम हुए हैं, अभी निकट भविष्य में सीटेट का हुआ था, उससे पहले कोई SS DC वाला जो एग्जाम है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, उसमें इनके द्वारा ये विश्वास लोगों को दिलाया गया था कि उसमें भी इनके द्वारा भर्ती कराई गई है। क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो जिन लोगों के अंदर कम कॉन्फिडेंस होता है, जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लालच में आ जाते हैं। तो आज इनको गिरफ्तार करके 8 लोगों को भेजा जा रहा है। इसमें जो जब पूछताछ पे जानकारी हुई तो इनका जो मास्टरमाइंड है गोपेश यादव, उसके द्वारा ये बताया गया है कि वो कोस्ट गार्ड में पोरबंदर में सेवारत है, उसका एक और सहयोगी वहीं सेवारत है, एक और इस गैंग में जो पकड़ा गया है उसके द्वारा बताया गया है कि वो आर्मी में है। ये सब इनके द्वारा बताया गया है, इन सब चीजों की पुष्टि हो रही है, क्योंकि ये अभी पकड़े गए हैं और क्योंकि इन्हें जेल भेजना जरूरी है। बाकी इन सब चीजों को तस्दीक करके अगर ये सब सही होगा तो इनके संबंधित विभागों को भी लिखा जाएगा कि इनके विरुद्ध उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाए।